नमस्कार, देख रहे हैं आप एमेजन प्राइम में, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार हमले के बीच फंसे लगभग 20,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का काम भारत सरकार और उनके मंत्रियों ने बखूबी किया है। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और इस मिशन के तहत भारत सरकार के तकरीबन 12 से ज्यादा मंत्री एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एयर इंडिया समेत कई कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, मोल्डोवा और पोलैंड के रास्ते भारत लाया जा रहा है। भारत सरकार इस मिशन के तहत न सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकाल रही है बल्कि दवाओं, खाना और जरूरी सामान की व्यवस्था भी विदेशी जमीन पर कर रही है। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे इस मिशन में तेजी लाई जा रही है। तो यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध लगातार जारी है। कई शहरों में आपको बता दें कि लगातार बमबारी जारी है, खासतौर पर सुमी और खारकीव में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार इनको रेस्क्यू करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गंगा इसी अभियान के तहत जारी है और ऑपरेशन गंगा के तहत ही भारतीयों की वापसी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के जो पश्चिमी जो पड़ोसी देश हैं, चाहे रोमानिया हो, हंगरी हो, स्लोवाकिया और पोलैंड हो, वहां से विशेष उड़ानों के जरिए अपने नागरिकों को भारत रेस्क्यू कर रहा है वहां फंसे छात्रों को। और इसी कड़ी में हजारों की तादाद में छात्र अब तक वतन वापस लौट चुके हैं और वतन वापसी के साथ ही इन तमाम छात्रों के चेहरों पर खुशी का आलम तो है ही, साथ ही साथ एक कंसर्न भी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए, अपने उन सहपाठियों के लिए जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें सुमी और खारकीव ये इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। खारकीव में अभी भी सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं। इस मिशन में भारत से करीब 16.5 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई है, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया कि किस तरह से भारत सरकार वहां पर जो छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए राहत सामग्री भी भेज रही है ताकि समय पर उनकी मदद की जा सके। और ऑपरेशन गंगा ये जारी है। इन सब के बीच जो छात्र भारत पहुंच रहे हैं सबकी अलग अलग कहानी है, सब उस युद्ध के बारे में बयां कर रहे हैं जो उन्होंने बेहद करीब से देखा है, किस तरह से जिंदगी खतरे में थी, अभी भी सैकड़ों हजारों जिंदगियां भारत के खतरे में हैं, उनसे कैसे डील किया जा रहा है, कैसे उन्होंने अपनी आंखों देखी, अब जो चीज़ें हैं वो बयां की है, उन तमाम बातों का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए कि जिन बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जो बच्चे भी हैं कितने भावुक हैं, बच्चों को अपने सुरक्षित देखकर उनकी आंखों में आंसू हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि एक युद्धग्रस्त देश से, क्षेत्र से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन इस टास्क को भारत सरकार ने बखूबी लिया है और ऑपरेशन गंगा के तहत इन तमाम बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आज आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के 317 ग्लोमास्टर विमान हिंडन एयरबेस में लैंड हुए और इन उड़ानों ने रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 629 भारतीयों को निकाला। साथ ही इस दौरान भारत से करीब 16.5 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। तो वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक C-17 ग्लोमास्टर की 4 फ्लाइट्स और 11 अन्य स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारत जो है वो 2200 से ज्यादा, तकरीबन 3000 के आसपास भारतीयों को और सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इन फ्लाइट्स में से 10 उड़ानें दिल्ली में और 1 मुंबई में लैंड करेंगी। आपको बता दें कि भारत यूक्रेन के जो पश्चिमी पड़ोसी देश हैं, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए, विमानों के जरिए भारत अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रहा है और ऑपरेशन गंगा के तहत वायुसेना ने अब तक 2000 से ज़्यादा यात्रियों का, जो छात्र वहां पर हैं उनका रेस्क्यू और दूतावास लगातार आपस में संपर्क हैं, इस बात की जानकारी लगातार विद्यालय की तरफ दी जा रही है। जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं छात्रों आने के लिए और इस ऑपरेशन को लिए, इसको जताने के लिए तमाम जो मंत्री हैं वो पोलैंड का, स्लोब नजदीकी देशों का रेस्क्यू किया जाता बना रहे उनका विश्वास। यूक्रेन संकट पर ट्वीट भी किया और उनकी वापसी ऐसे कि एक एडवाइस की गई है, ना हो तो कोई जो ना उठाए भाकिम है उसमें ना पड़े, ये बेहतर स्थितियों में उन्हें रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाहर बमबारी हो रही है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके युद्धग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां से दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित जगहों पर रहें, बंकरों में रहें और कोशिश लगातार इस बीच जारी है कि ऐसे छात्रों का रेस्क्यू किया जा सके। पहले भी भारत सरकार ने कई एडवाइजरी ऐसी ही जारी की थी जिसमें कहा गया था कि कीव और खारकीव की तरफ कोई भी भारतीय छात्र मूव ना करे,
और आपको बता दें कि भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा भी लगातार जारी है। इन सबके बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट भी किया है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार और दूतावास संपर्क में हैं और छात्रों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो आज 15 विमान 3000 से ज्यादा भारतीयों का रेस्क्यू आज करने वाले हैं। हालांकि सुमी और खार्किव में अभी भी सैकड़ों की तादाद में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, इसलिए उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में बच्चे अब अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। चाहे आप पंजाब की बात कर लें, चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, चाहे आप देश के किसी अन्य राज्य की बात कर लें, तमाम जो छात्र हैं जो खार्किव में फंसे हुए हैं, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षित वापसी हुई है, तो वो अपने अपने घरों को वापस लौटे हैं, भारत सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि जितने भी भारतीय छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं उन सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। और इस दौरान जो उनके परिजन हैं वो भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है ऐसे बच्चों के लिए जो वहां पर अभी फंसे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अनावश्यक आप जोखिम ना लें, किसी भी तरीके की जोखिम उठाने की स्थितियां इस वक्त नहीं हैं। चले हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ छात्रा हैं जया, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास पेशकश में। जया, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके की परिस्थितियां रही हैं फिलहाल, आप कैसा महसूस कर रही हैं? एक्चुअली वहां पे कंडीशन बहुत वर्स्ट है और वहां से निकलना एक जंग जीतने के हिसाब से है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं अपने घर पे आ गई, सेफली आ गई। जया, क्या आप कहाँ पर रही, क्या कुछ आपने देखा, कितने नजदीक से, क्योंकि अब तो हालात ये है कि बाहर निकलते वक्त भी लोगों की रूह जो है वो कांप रही है क्योंकि कब बम गिर जाए, कब मिसाइल का अटैक हो जाए, ऐसा कुछ भी वहां पर निश्चित नहीं है। और जितनी जल्दी से जल्दी खार्किव को छोड़ दें या बाकी के जो इलाके उनको छोड़ दें, ऐसी एडवाइजरी भी जारी हो रही है। आपके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से आपको वहां से रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ हालात और आपने देखे? जया यस मैम, एक्चुअली क्या हुआ कि 25 को 24 का अटैक हुआ, 25 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ, उस दिन मेरा नंबर नहीं आया, 26 को मेरा लिस्ट में नाम आया। फिर मैं वहां से निकली, कुछ दूरी को मुझे बस ने उतार दिया क्योंकि बहुत जाम था, रश था। तो मैं वहां से 12 किलोमीटर अपना लगेज बैग लेके मैं वॉक करके बॉर्डर पहुंची रात के करीब करीब 10 बजे तक। फिर 10 बजे वहां पे देखा, वहां पे 4-5 हजार बच्चे, अफ्रीकन्स, इजिप्शियंस, यूक्रेनियन सब थे। फिर वहां पे ऐसा था 40 मिनट की टाइमिंग की गैप पे गेट खोला जा रहा था जिसमें प्रायोरिटी यूक्रेनियंस को दी थी, लेफ्ट साइड इंडियंस और इजिप्शियंस अफ्रीकन थे और लेफ्ट राइट साइड अफ्रीकन को यूक्रेनियंस को दे रहे थे। और उसके बाद वहां पे इतना रश था, वहां पे सीज फायरिंग हुई, बच्चे फेंट होने लग गए। उसके बाद कैसे भी करके गर्ल्स की प्रायोरिटी ले लेके हम लोग वहां से निकले और निकलने के बाद वहां पे 4-5 घंटे हमें बस में बिठाया, वहां पे इमिग्रेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा दिन हम बस में ट्रेवल किए, फिर रात के किसी कैंप शेल्टर में पहुंचे रोमानिया के। वहां जाने के बाद 4 दिन में वहां रही, वहां पे उन लोगों ने बहुत हेल्प किया, हमें खाना पीना सब कुछ खुद से प्रोवाइड किया, मुंह में तक हमें हाथ में दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे एयरपोर्ट के दिन हमारे लिए सही है, हमारा वीजा एक्सपायर होने हमारे नंबर आया, फिर हम वहां से निकले। जया, जिस तरह से भारत सरकार काम कर रही है ऑपरेशन गंगा के तहत, उसका कितना फायदा आप महसूस कर रही हैं, खासतौर पर उन छात्रों के लिए भी ये कितने बड़े संबल का विषय है जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जो कि आप सकुशल वापस आई हैं, ऐसे में किस तरह का सपोर्ट विदेश मंत्रालय का या दूतावास का वहां पर रहा है? मैम देखिए, वहां पे इन्वेस्टर के 2 पीपल खड़े थे बॉर्डर पे, उन्होंने बहुत आराम से हमें निकाला। उसके बाद निकालने के बाद बस में हमें वहां की जो पब्लिक थी, पुलिस मैन थे, उन्होंने सपोर्ट दिया। वहां से निकलने के बाद रोमानिया में हमारे से एक फॉर्म फिल करवाया जो इन्वेस्टर के पास गया कि इतने शेल्टर में इतने यहाँ के बच्चे हैं। उसके बाद हमें एयरपोर्ट से सिंधा सराय मिलने बच्चों से, उसके बाद
एम्बेसी के पीपल ने हमारी लिस्ट की काउंटिंग के हिसाब से बच्चों को चेकिंग पॉइंट ले गए, फिर वहां से एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठाया। फ्लाइट में वहां से सिंगल से सबका पूछने आए कि आप कैसे हैं, क्या नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ दिल्ली में वेलकम किया गया। ढिल्लो साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आज आपने देखा कि कुछ शहरों में सीज फायर का की बात कही जा रही है रूस की तरफ से, हालांकि कुछ शहरों में अभी भी युद्ध जो है लगातार जारी है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ढिल्लो साहब, अभी आप क्या देख रहे हैं, युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें ये युद्ध रुक सकता है? और इसके अलावा ऑपरेशन गंगा की भी बात करेंगे, जो सीज फायर है उसका कितना फायदा होगा छात्रों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए? देखिए, सीज फायर का तो बहुत फायदा होगा। ये सीज फायर मरीपोली जो दूसरा पोर्ट है उनका, एक पोर्ट तो जो पहले ही कब्जे में कर लिया है रशिया ने, दूसरे पोर्ट के ऊपर में लड़ाई चल रही थी। अब रशिया नहीं चाहता था कि वहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज हो और उनके खिलाफ जाए ये चीज की उन्होंने देखो सिविलियन कैजुअलिटीज करी है, तो उन्होंने एक कॉरिडोर दिया है दो सिटीज में, एक ऊपर है और एक पीछे तरफ जो है ब्लैक सी की तरफ है। दोनों जगह पे उन्होंने कॉरिडोर दे दिया है कि यहाँ से आप निकल सकते हैं 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का, 11 बजे वो निकलना शुरू हुआ है और उसके बाद वो सेफ पैसेज दिया है। तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि जो सिविलियंस वहाँ फंसे हुए हैं, खासकर दूसरे कंट्री के स्टूडेंट्स हैं या विजिटर्स हैं, वो निकल पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई है जो दोनों देशों की बातचीत के कारण संभव हो पाया, क्योंकि दूसरे राउंड की बातचीत जो हुई थी पोलैंड में, वहां पे रशिया और यूक्रेन के बीच में ये समझौता हुआ था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सेफ पैसेज दिया जाएगा, तो ये एक अच्छी बात जो उन्होंने मानी है। बाकी जो युद्ध का खात्मा है वो तो अब पता है कि जब तक यूक्रेन से सरेंडर नहीं करेगा, जेलेंस्की नहीं मानेंगे उनकी टर्म्स को, युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। बेशक नाटो या यूरोप से कुछ सहायता उनको मिलती रहे, पर वो इतनी नहीं है कि वो रशिया को पूरी तरह से रोक लें। तीसरी बात जो करते हैं ऑपरेशन गंगा, अभी कल की जो अपडेट थी 2000 के करीब स्टूडेंट लगता रहता है, पर एक्चुअल फिगर किसी को नहीं पता है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो उससे कोई जो आउटपुट या उससे कोई डाटा नहीं आ रहा है और वो एक ही जगह में सिमटे हुए हैं। वहां से अभी ये जया ने भी जो बताया है कि जब हम बॉर्डर पे पहुंच गए तो उसके बाद काफी अच्छी हेल्प मिली भारत सरकार से भी, दूसरे कंट्री से। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि बॉर्डर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि कई जगह में बॉर्डर 300-400 किलोमीटर दूर है, ठंड का मौसम है, ट्रेनें नहीं चल रही। कल एक ट्रैक पे भी ब्लास्ट हुआ है, जो ट्रैक टूट गया है, तो अब धीरे धीरे आवाजाही जो है बंद हो रही है, रोड्स बंद हो रहे हैं, तो कैसे उनसे पहुंचा जाए? कल एक प्रवक्ता ने आपकी चैनल पे यह कहा कि उन्होंने 19,000 लोगों ने रजिस्टर किया, कुछ लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है। देखिए, ये रजिस्टर नहीं किया तो उनकी मजबूरी है, कई जगह में नेट नहीं चल रहा है, उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही है, वहां तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहे, पीने का पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद करना कि हर आदमी रजिस्टर कर लेगा संभव नहीं है। तो हमें इन रजिस्ट्रेशन और एडवाइजरी से भी आगे बढ़ना होगा। अब समय है कि जब यूक्रेन हमारी बात मान रहा है और सेफ पैसेज दे रहा है, तो सेफ पैसेज का फैसला हो जाके एक ना एक मिनिस्टर को जाके अंदर वहां पे जो एम्बेसी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उस स्टाफ को ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए जिक्र मैंने किया कि सीज फायर का किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि जो बच्चे अंदर फंसे हुए हैं या जो खुद को रजिस्टर्ड वहां पर नहीं कर पा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या जो इस वजह से बंकरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन भी कर सके या नेटवर्क वाले जोन में जा सके, उनके लिए ये स्थितियां कारगर हो सकती है। और उसके लिए एक बहुत सटीक प्लान बनाने की जरूरत है, खासतौर पर इसी सीज फायर के दौरान। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो यूक्रेन में एम्बेसी है उसकी हेल्पलाइन कोई ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है। किसी भी स्टूडेंट ने जितने आए हैं, आप अखबार देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया उनके वीडियोज हैं, किसी ने भी नहीं यह कहा कि हमें प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिला, बल्कि ये कहा गया कि हमें कहा कि इसके ज्यादा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, आप बाहर निकलिए। बाहर निकल के जाए कहाँ, ट्रेन में चढ़ने नहीं दी जा रहा और मुश्किलें हैं, तो हल क्या है? बाहर निकलना इस समय जब बमबारी हो रही है चारों तरफ, तो बाहर निकलना हल नहीं है। अनलेस कि आपको एक सलूशन हो कि कहाँ जाना है, कोई शेल्टर है, कोई ट्रेन स्टेशन है, कोई बस स्टेशन है, जो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान हो रहा है, तो उनको गाइड करने की और एक भरोसे में लेने की कि हम इधर ही हैं और हमारा सिस्टम जो पूरी तरह चल रहा है,
एम्बेसी आपको हेल्प करेगी, उस पर कॉन्फिडेंस लाना बड़ा जरूरी है। कॉन्फिडेंस शेक हुआ है सारे स्टूडेंट का, अब बाकी बाहर आने के बाद बहुत बढ़िया सेटअप है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग खुश हैं जो एक बार बॉर्डर से निकल गए। तो क्योंकि उनको दो दिन लगे, चार दिन लगे, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट, वो तो घर आ ही जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि जो अभी बॉर्डर नहीं क्रॉस पाए हैं, हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ आगे बढ़ के करना होगा, किसी की मदद लेनी होगी, चाहे वो यूक्रेन की, चाहे रशिया की, चाहे इंटरनेशनल रेड क्रॉस की। क्योंकि अब चिंता का विषय है कि युद्ध में थोड़े दिन तो कॉरिडोर मिलेगा, जब सिविलियन वहां से निकल गए तो उन टाउनों पे भयंकर बमबारी होगी और ज्यादा तबाही होगी। ऐसे में अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो वो सिर्फ हम उन्हें भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें ये सीज फायर का फायदा उठा के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जया, जिस तरह से बात हो रही है यूक्रेन के हालात की, और जैसा कि हमारे साथ जो एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि बाहर आपको, बॉर्डर के बाहर आपको भरपूर मदद मिल रही है, लेकिन बॉर्डर के अंदर यानी बॉर्डर तक पहुंचने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत है। जया, कुछ ऐसे भी लोग आपके दोस्त या कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो इस वक्त उस डिफ़िकल्टी को फेस कर पा रहे हैं, जिन तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है, और अगर नहीं पहुंच पा रही है तो वो किन हालातों में हैं, किस तरह की वो मदद चाहते हैं? और इस तरह की खबरें आई कि जिन बसों पर तिरंगा लगा हुआ है वहाँ पर उनको बहुत आसानी से आगे बढ़ने दिया जा रहा है, या जो इंडियन छात्र हैं उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है, क्या इस तरह की तस्वीरें आपने भी देखी और क्या कुछ महसूस किया आपने? जैसे लाइक बस पे झंडे लगा दिए, लोगों ने अपने बैग पे झंडे लगा दिए हैं, उन्हें इजली क्रॉस करने दिया जा रहा है। और लाइक खारकीव की सुमी कॉलेज के बच्चे जो बंकर्स हैं, उनके पास कोई एम्बेसी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे ही दो एम्बेसी थे जो भी हेल्पलेस थे, तो उनके पास वो भी टायर्ड थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ये बोला था कि आप अपने भरोसे आए हो, आप आगे बढ़ो आपको, और यही बोला गया कि आप सेफली जा सकते हैं, यहाँ से आप क्रॉस करिए, बहुत ईजी है। बट जो पीछे है उनका कोई आइडिया नहीं, वो कहाँ छुपे हैं, किसी के पास। यस मैम, सर ने कहा कि ये फॉर्म वाले की टीम था, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कट हुए थे, पानी सप्लाई कट हुई, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ एक दिन, तो ये बात सही है कि वहाँ पे फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे थे, कि हमने ही दो तीन बार किया कि फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा, कभी कुछ आया, कभी पासपोर्ट का सीन हो रहा, कभी कुछ हो रहा। तो ये बात है कि बच्चे आधे से ज्यादा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ठीक है, जय, आपसे बातचीत करेंगे हम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों छात्रों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। आपको बता दें कि C-17 ग्लोब मास्टर जो विमान है, लगातार भारतीय छात्रों को जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का काम कर रहा है। इसके अलावा सरकार और दूतावास आपसी संपर्क में है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ढिल्लो साहब, छात्राओं से जो हम बात कर रहे थे, जया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जो हम बात कर रहे थे वो भी तकरीबन ये कह रही हैं कि बॉर्डर के बाद तो हालात काफ़ी अच्छे हैं, बॉर्डर के अंदर जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि बॉर्डर के पास जो हालात हैं वो थोड़े से कंट्रोल में है, लेकिन बॉर्डर के अंदर फिलहाल जो हालात हैं वो ख़राब हैं। इस वक्त अगर हम इस युद्ध को देखें, जो सीज फायर की प्रक्रिया है, ढिल्लो साहब, क्या आपको लगता है कि सीज फायर के बाद आगे भी थोड़ा सा और जो टाइम है वो बढ़ सकता है? क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा का समय पुतिन की तरफ से दिया गया है कि जो लोग जाना चाहते हैं वो देश छोड़कर चले जाएं। हालांकि कई इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पहले बमबारी रूस कर चुका है। ये जो स्थितियां हैं, कल बातचीत की जो टेबल पर बातचीत हुई उससे भी अब बात आगे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस सीज फायर के बाद क्या ये भी कोशिश विश्व के अन्य देशों की तरफ से की जाएगी कि ये सीज फायर आगे भी जारी रहे? देखिए, ये कोशिश तो करी जाएगी। अभी कोई आधा घंटा पहले कोई वीडियो समी स्टेट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने पोस्ट किया है, और उसमें वो बैग पैक लेके बर्फ के अंदर खड़े हैं और वो 50 किलोमीटर दूर रशिया बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें कुछ हुआ तो इसके लिए मैसी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो अभी भारत सरकार ने उनको कहा है कि आप वहीं रुक जाइए, हम सेफ पैसेज का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो सेफ पैसेज का अरेंजमेंट उनके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर वाली साइड में है जो रशिया वाली साइड है, और 50 किलोमीटर बर्फ में जाना बहुत ही रिस्की होगा। हाँ। तो स्टूडेंट्स को इस तरह से मार्च करने देना
बिल्कुल एक बहुत बड़ी जो मुसीबत में डालना होगा, जब तक कि हमारे पास कोई सेफ पैसेज नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई ना कोई नेगोशिएशन की बात नहीं हो रही। अभी बाकी कंट्रीज भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ये सेफ पैसेज है दोबारा निकला जाए, पर रशिया ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी अगर सेफ पैसेज के तहत उनके बड़े बड़े शहर खाली हो जाए तो उन्हें कब्जा लेने में आसानी होगी। तो रशिया भी चाहता है कि एक तरह से सेफ पैसेज दिया जाए जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो यूक्रेनियन हो, क्योंकि तकरीबन 10 लाख से ऊपर यूक्रेनियन सिटीजन भी देश छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में। तो रशिया भी चाहता है कि अगर वो सिटी खाली हो जाए तो एक तरह से खाली सिटी पे कब्जा करना आसान होगा, रेजिस्टेंस कम होगा और लोग इस अपॉर्चुनिटी को एक मौके के तरह देखेंगे कि अगर हम यहाँ से सेफ निकल सकते हैं तो हमें लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक सोची समझी जो स्ट्रेटजी के तहत ये सेफ पैसेज रशिया देगा बीच बीच में, और सिटीजनों को उसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि वार अब और घातक हो सकती है, आखिरी फेज में पहुंच रहा है काम, और एक समय आएगा कि उसके बाद सेफ पैसेज की जगह नहीं बचेगी। क्योंकि तो ढिल्लों साहब, ये जो वक्त है, जो वक्त रशिया की तरफ से तय किया गया है सीज फायर के लिए, इसके लिए प्लान क्या होना चाहिए? स्पेशली अगर मैं भारत सरकार की तरफ से बात करती हूँ, उसके लिए क्या प्लान है ऐसे हैं जो इतने कम समय में ज्यादा सार्थक हो सकते हैं उन छात्रों के लिए जो फंसे हुए हैं? जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि अंदर मदद की जरूरत है, बॉर्डर के बाहर नहीं। देखिए, उनके लिए प्लान तो ये है कि अगर देखिए कई एयरफील्ड होते हैं, अगर कोई छोटा मोटा, अभी उन्होंने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर, तो फ्लाइंग परमिट करें, छोटा मोटा कोई एयरपोर्ट है अगर उसको दिन में 20-30 फ्लाइट के लिए खोला जाए, क्योंकि काफी एयरपोर्ट्स हैं उसमें जो इंटरनेशनल नहीं है, पर ऐसे मौके पे C-130 वगैरह जहाज छोटे एयरपोर्ट में भी लैंड कर जाते हैं, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं होती है। अगर उनसे सहमति बना के ऐसे एयरपोर्ट से वहीं से नजदीक से 100-150 किलोमीटर से लोगों को उठाया जाए उनकी रजामंदी से, तो बहुत बेहतर कदम होगा। बाकी भारत सरकार को थोड़ा अंदर में कैसे सेटअप को अपने को रिवाइव करना है, जो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बाहर तो जो सेटअप है वेल ऑर्गेनाइज है, उसमें बाकी कंट्री भी, रोमानिया है, पोलैंड है, सब हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम समस्या नहीं है। पर जो समस्या अंदर है और जो लोग अभी फंस गए हैं, क्योंकि वो उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, वो भी बॉर्डर पहुंच जाते हैं, या तो वो निकल नहीं पा रहे हैं, या उनके पास साधन नहीं है, या वो ऐसे इलाके में फंसे हुए हैं कि जहां से निकलना संभव नहीं है, संपर्क टूट गए हैं, बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो कुछ ना कुछ उनके लिए हमें ये सबसे मिलके यूक्रेन से, रशिया से और रेडक्रॉस से कुछ ना कुछ वाया मीडिया निकालना होगा। जी जया, आप ट्रांसपोर्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट वहां पर कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि हजारों की तादाद में वहां छात्र हैं जो बॉर्डर पर जो है पहुंचना चाहते हैं और सबकी यही इच्छा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी तरीके से सुरक्षित वापस आए। वहां पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जिसका सहारा लेकर बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है, उन पर कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं और उनके ना चलने के वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है? और क्या कोई ऑप्शन वहां पर दिया गया है कि अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि अभी खतरे में है उनके बजाय आप किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है वहां पर? जया, जिस दिन वॉर हुआ था उस दिन बाय बस बच्चे निकले थे, बाय ट्रेन निकले थे, लेकिन वहां पे जो 12 घंटे का रास्ता वो बच्चे ने 48 आवर में कवर किया था मैम, क्योंकि बस इतनी स्लोली चल रही थी, बहुत रश था, सामने रशियन और यूक्रेनियन फाइट कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा था, बच्चे डर चुके थे वहां पे, ट्रेन भी वैसे ही चल रही थी, क्योंकि ट्रेन में सुनने में आया है कि वहां पे बच्चों पे हार्श कर रहे हैं वो लोग। और बस की मैम बात है तो आपको पता है ट्रैफिक के कारण वो आगे मूव नहीं कर पा रही, और जो टैक्सी वाले लोग हैं वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, एक बच्चे से $500 चार्ज किया था मैंने बॉर्डर तक पहुंचाने का, किसी से ज्यादा इतना ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, मतलब वो ज्यादा चार्ज करके कह रहे हम आपको बॉर्डर तक पहुंचाएंगे, ये सीन है मैम वहां पे। ठीक है जया, आपसे हम ये भी समझेंगे क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज से जो छात्र वापस लौटे उन्होंने कहा आपके वॉर वाले दिन तक यूनिवर्सिटीज ने छात्रों को ये नहीं कहा कि आपकी पढ़ाई बंद होगी या चलती रहेगी, उन्होंने कहा कि सब कुछ स्थितियां सामान्य हैं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्या ऐसी भी सिचुएशन सामने आई थी कि यूनिवर्सिटीज ने पहले से ये नहीं कहा कि हम कॉलेज बंद कर रहे हैं या एहतियातन आपको कहीं और जाना पड़ेगा? क्या इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी गई थी क्योंकि वॉर के संकेत पहले से मिल रहे थे? अगर ये संकेत पहले और मिल जाते और छात्रों को वहां से जाने के लिए कह दिया जाता तो शायद सिचुएशन और बेहतर होती, ऐसा हुआ जया?
25 जैन को एक मैसेज फॉर्म आया कि आपको ये फॉर्म करने जो चीज में है, जो इंडिया मतलब जो यूक्रेन में वो फॉर्म फिल कर, जो इंडिया में वो फॉर्म फिल ना करे। उसके बाद मैम लाइक इन इंडिया नीट एग्जाम होता है, कंफर्मेटिव एग्जाम, क्वालिफिकेशन एग्जाम, और इन यूक्रेन थर्ड सिक्स ईयर के लिए क्रॉक्स एग्जाम होता है जो कंपल्सरी होता है, और ये इस टाइम प्री क्रॉक चल रहे थे। तो इन्होंने थर्ड और सिक्स ईयर को ये बोल रखा था कि आप इस प्री क्रॉक नहीं करेंगे तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। और मैम कोई ऑनलाइन क्लास, कोई ऑफलाइन का कंफर्मेशन नहीं था। बच्चों ने इंडस्ट्री में टीचर से सबसे पूछा, टीचर का ये जवाब था हम भी लोकल से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर कोई वॉर का सिचुएशन नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं आओगे एनवीज लगेंगी, कॉलेज से एक्सपेल किया जाएगा। यानी इस तरह की सिचुएशन बनी। ढिल्लो साहब, हाँ आप कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पैसे के लिए काम करती है तभी वो इंडियन स्कूल है, तो उनका ये इंटरेस्ट था कोई स्टूडेंट छोड़ के ना जाए, सीट खाली रह जाएगी या हमें यहाँ हॉस्टल खाली हो जाएंगे, तो कमाई का उनका एक बड़ा साधन इंडियन स्टूडेंट्स है, तो वो नहीं चाहते थे छोड़ के जाए। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज ने अपनी तरफ से कभी भी नहीं कहा और ना ही वो कहना चाहते थे, चाहे हालात कितने खराब हो, वो नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट में पैनिक हो जाए और स्टूडेंट छोड़ के भागना शुरू कर दें और फिर लौट के भी ना आए क्योंकि सिचुएशन यहाँ खराब होने वाली है, ये उनका अंदेशा था। तो वो चाहते थे स्टूडेंट यहाँ बने रहे। अभी जो मेरिपोलिस साहब देखा आपने की सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो रशियन फोर्सेस जो मेरिपोल जो सेकंड पोर्ट सिटी है यूक्रेन का, उसको इनसर्कल किया उन्होंने कि वो रशियन फोर्सेस कॉपरेट नहीं कर रही है। तो एक तरह से रशिया चाहता था लोग निकले, पर शायद यूक्रेनियन वहां के मेयर भी नहीं चाहते कि अगर सिविलियन पॉपुलेशन वहां से निकल गई तो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा और रशियन फोर्सेस एकदम अंदर आ जाएंगी, तो वो खुद भी नहीं चाहते कि वहां से बाकी यूक्रेन के नागरिक भी निकल सके। वो सिर्फ अभी तक अलाउ कर रहे हैं कि सिर्फ जो फॉरेन नेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ही निकले। तो ये बड़ी पेचीदा स्थिति होती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है उनके ऊपर। ये ढिल्लो साहब इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक तरह का युद्ध अपराध है कि आप अपनी जो सिविलियंस हैं आप उनको आगे कर रहे हैं और रूसी सेना से लड़ने के लिए। इसका रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मदद की आस है, खासतौर पर भारत के तमाम छात्र वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, हालांकि उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन अभी भी कई हजारों की तादाद में ऐसे छात्र हैं जो मदद की आस लिए हुए बैठे हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ढिल्लो साहब, जैसा कि हम युद्ध अपराध की बात कर रहे थे और जिसका जिक्र आपने भी किया था कि जिस तरह से ढाल बनाकर यूक्रेन ऐसे लोगों को आगे कर रहा है, एक तरीके का ये युद्ध अपराध है। बिल्कुल, देखिए जिनेवा कन्वेंशन भी के भी रूल्स हैं इन चीजों के ऊपर में। युद्ध आर्म्ड फोर्सेस के बीच में होता है, सिविलियंस के बीच में नहीं होता। तो सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को आगे करना और उनको एक तरह से ढाल बना के जुड़ना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो इंटरनेशनली माना गया है। सेम POW जो होते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर जब पकड़ लिए जाते हैं तो उनको भी एक जो योजनाबद्ध तरीके से ट्रीट करना होता है, आप उनको जो टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ये जिनेवा कन्वेंशन नियम है जो हर कंट्री को मान्य होते हैं, पर जो कंट्री जब यूक्रेन जैसी हालत में आ जाता है, ऐसी हालत में कि अब और कोई सोल्यूशन नहीं बचता, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होती है कि औरतों और बच्चों को ढाल बनाया जाए ताकि अगर दूसरी फोर्सेज एडवांस करें तो उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के जो एलिगेशन लगाए जाए डिस्ट्रॉय करने। ऐसा जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी भी करते रहते हैं, जब वो कोई इनकाउंटर के लिए जब घेरा पड़ जाता तो औरतों और बच्चों को आगे किया जाता है। ये एक पुरानी टैक्टिस है, तालिबान भी करते रहे हैं कि जब घिर गए हैं तो औरतों और बच्चों को ढाल बना के वहां से निकलने की तरकीब होती है। सेम यहाँ है, वो चाहते हैं कि युद्ध जितना लंबा खिंच जाए तो उतना वर्ल्ड का ओपिनियन उनके खिलाफ मिल जाए, और जब सिविलियन कैजुअल्टीज हो, कई बार जैसे इराक में देखा गया तो उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स अपने सिविलियन बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिए थे ताकि वर्ल्ड को ये दिखाया जाए कि अगर यहाँ अटैक होता है तो लगे कि ये सिविलियन बिल्डिंग है। तो इस तरह हो सकता है यूक्रेन में भी कुछ चीजें ऐसी हों, क्योंकि रशिया के पास बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, अगर वो कुछ सिलेक्टेड बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं तो जरूर उनके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वहां पे कुछ कम्युनिकेशन सेंटर या कुछ चल रहा होगा। और बेस्ट तरीका है अब यूक्रेन के लिए कि ये औरतों, बच्चों को और सिविलियंस को ढाल बना रहे हैं, और यूक्रेन नहीं चाहेगा कि पूरी तरह से वहां से इवैक्यूएशन हो और स्थिति खाली मिले, जिसमें रशियन फोर्सेस को एक तरफ से दूसरी तरफ जाके कब्जा करने में बहुत आसानी हो जाए।
जया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जिस परिस्थितियों में आप वहां से वापस लौटी हैं और आपके जैसे हजारों छात्र जो वहां पढ़ाई के लिए गए थे, भविष्य को लेकर कितनी चिंता है? और कई छात्र ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भारत सरकार, वो जिस भी क्लास में है या जिस भी ईयर में है, उनको भारत सरकार यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि यूक्रेन में अभी परिस्थितियाँ सामान्य होने में मुझे लगता है काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में क्या चाहती हैं आप, भारत सरकार से आप क्या अपील रखती हैं और भविष्य को लेकर क्या प्लान है? मैम, जिस कंडीशन में वॉर हो रही है उसमें वहाँ की इकोनॉमी गिर चुकी है, वहाँ प्रॉब्लम है, हमारे एजुकेशन की तरफ खराब हो ही गया। यहाँ पे टीचरों ने ऑनलाइन कंडक्ट करवाने का किया है और भारत सरकार के पास पॉसिबिलिटी है तो हमें यहाँ पे सीट मिल सकती है, तो ये अच्छा होगा कि हम भी यहीं पढ़ लें। तो आप सरकार से ये चाहती हैं कि आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट किया जाए? ठीक है डिलो साहब, सवाल ये भी, जैसा कि जया ये बता रही हैं, हजारों छात्र ऐसे हैं कि उनको ये चाहिए कि उनके जितने साल वहाँ पर रहे हैं, आगे आने वाले जो साल हैं, क्योंकि कई फोर्थ ईयर में हैं, कुछ फिफ्थ ईयर में हैं, कुछ आखिरी ईयर हैं, कुछ के अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, ऐसे में ये एडजस्टमेंट भारत में हो सकती है, इस तरह की सहायता भारत सरकार को यहाँ पर करनी चाहिए ऐसे छात्रों का भविष्य बचाने के लिए? देखिए, कहने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए, पर यहाँ पे कॉलेजेस के पास ना तो इतने एडिशनल कैंडिडेट को रखने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए हॉस्पिटल्स हैं कि ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट है। दूसरा, उनके और हमारे सिलेबस में काफी कुछ फर्क है, इसलिए जो लोग वहाँ से एमबीबीएस करते हैं उनके लिए एमसीआई एक टेस्ट कंडक्ट करता है। ये नहीं है कि वो सीधा इंडिया आके प्रैक्टिस कर लें। जब तक वो स्टूडेंट एमसीआई का टेस्ट पास नहीं करते हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों की पढ़ाई में, सिलेबस में और वे ऑफ टीचिंग में फर्क है। तो इसलिए ये कितना कारगर होगा और किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को और कॉलेजेस में लगाना और उनके लिए उतनी सीट बढ़ाना, हाँ ये हो सकता है जो फाइनल ईयर में इंटर्नशिप है काफी पूरा कर चुके हैं उनके लिए तो कोई व्यवस्था करी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने काफी पढ़ाई पूरी कर ली है और थोड़ा बहुत एडिशनल टाइम उनको दिया जा सकता है। जैसे 4 साल वहां लगाए हैं तो 1 साल यहाँ लगा के वो उसको कंपेटेबिलिटी टाइप को टेस्ट करा के उसके बाद वो अपनी इंटर्नशिप यहाँ कर ले, तो किया जा सकता है। पर शुरू के जो उन्होंने 1-1, 2-2 साल लगाए हैं शायद उनके लिए मुश्किल होगा, और अभी वापस जाने की क्या प्रक्रिया होगी ये कोई नहीं बता सकता, और क्या ये स्टूडेंट वापस भी जाना चाहेंगे, इनके पेरेंट्स भेजने चाहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, इन परिस्थितियों में शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो वापस जाना चाहेगा। बहुत शुक्रिया ढिल्लो साहब आपका हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए। जया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी और आप सकुशल भारत लौटी हैं, इसके लिए आपको बधाई। तो ऑपरेशन गंगा भी लगातार जारी है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध की स्थिति थमी नहीं है। एक संघर्ष विराम थोड़ी देर के लिए जरूर हुआ है, लेकिन इस सीजफायर का फायदा ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार को उठाना होगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में अभी भी छात्र बॉर्डर के अंदर फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षित वापसी हर भारतीय चाहता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।